हेलो गाइस, तो ये है आव्या और ये है आनवी। दोनों बैठ के खेल रही हैं और ये लोग हैं कहाँ पे? ये लोग अपने नानी के घर गई थी। तब की एक क्लिप पड़ी थी मेरे फ़ोन में वीडियो, जो कि रक्षाबंधन में गई थी। तो ये वीडियो मुझे याद ही नहीं था कि अपलोड करनी है, ध्यान से उतर गया था। तो यहाँ पे दोनों बैठी मस्ती कर रही हैं, खेल रही हैं। और ये हैं किशन दीदी के लड़के, आनवी के भैया। तो यहाँ पर उसकी नानी आ गई है, नानी के साथ अब दोनों लोग खेलेंगी। और इसको बहुत ही जीने पर देखे बैठ के कितना मज़ा आ रहा था। डॉगी जा रहे थे, साइकिल से कोई आ रहा था, तो इसको बहुत ही इंजॉय कर रही थी वहां बैठ के। किसी को सामने नहीं आते आने दे रही थी, बस चल नहीं पा रही थी, नहीं तो चल के चली भी जाती। इसको खैर मामा के घर अच्छा भी लगता है अपने, क्योंकि वहां बहुत ढेर सारे बच्चे हैं। और इसके बाद हम लोग कहीं जा रहे हैं, तो लो देखिए हम लोग कहाँ जा रहे हैं फिर। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं, हम अपने मायके में हूँ और हम लोग जा रहे हैं मेरे यहाँ, क्या है, कोई मंदिर है ना वहाँ, मेरे यहाँ मंदिर है हनुमान जी की। और वहाँ पे नदी भी है, तो और मुझे नदी में कुछ काम भी है क्योंकि शंकर जी का विसर्जन भी करना था। तो वही हम लोग जा रहे हैं। और पीछे आप लोग देख सकते हैं मेरी भाभी बैठी हुई हैं, ये है मेरे भैया और ये है आयुषी, किशन, प्रिंसी और मिस्टर हस्बैंड। हेलो। और अभी हम लोग, अब आपों को देख लो बाबू, और ले मेरे भैया तो छू गया है, हम लगा के छू गया। तो ये देखिए गाइस, मेरे घर के पास में ही नदी है, जहाँ पे वो घाघरा नदी, जहाँ पे ये सॉरी शंकर जी को विसर्जन करने के लिए लेके आई हूँ। क्योंकि ऐसी बात ही थी कि मैं यहाँ से, मतलब अयोध्या से ले गई थी कि मैं अयोध्या वाली सरयू नदी में विसर्जन कर दूंगी, लेकिन उधर सुबह सुबह जाने को नहीं मिला क्योंकि रास्ते सारे बंद थे। तो मैं अपने घर लेके चली गई और वहाँ भी घाघरा जी थी, तो वहाँ मैं लेके आई हूँ विसर्जन करने के लिए। तो यहाँ पे ये प्रिंसी हैं और मैं यहाँ पे जा रही हूँ। धूप बहुत तेज थी क्योंकि सुबह का भी टाइम था, मेरी भाभी है। तो यहाँ पे हम सारे लोग जा रहे हैं विसर्जन करने के लिए। आप अभी सो गई थी। लेकिन इस लकड़ी वाली नाव में हम लोग कभी नहीं बैठे थे, और को जो चलाने वाला नाविक था वो भी बच्चा था। तो यहाँ पे देखिए, ये जा रहे थे नाव के पास और दलदल में इतने तेज इनका पैर फंस गया कि मैं तो डर गई। मैंने कहने लगी कि अब अंदर नहीं जाना है, क्योंकि वो बच्चा था छोटा सा चलाने वाला, उसके पापा नहीं थे। तो अभी हम लोग को विश्वास भी नहीं हो पा रहा था कि वो अंदर नदी में ले जा पाएगा, लेकिन
देखो। और देखिए यहाँ पे ऐसे चला रहे हैं कि ऐसे ऐसे हो रही थी कि मुझे लग रहा था नाव पलट जाएगी, तो मैंने बस रोक दिया नाव को। मैंने कहा मुझे अंदर नहीं जाना है, बस यहीं भैया किनारे लगा लो और हम लोग अपना यहीं पर विसर्जन कर लेंगे। ऐसा मतलब इतना डर लग रहा था, एक तो बच्चा था वो, तो खैर यहाँ पे बहुत मतलब बहुत बाल बाल हम लोग बचे कि अंदर नहीं गए। और यहाँ पे बैलेंस भी काफ़ी नहीं बन रहा था हम लोगों का, पता नहीं क्या था कि बैठना नहीं आ रहा था कि क्या था, तो मैं डर के मारे यहीं पे भगवान जी को विसर्जन कर दी। और इसके बाद मैं फिर नहीं घूमने गई और ये यही लड़का लेके गया एक दोबारा भाभी वगैरह गई थी तो उनको घुमाने के लिए। मेरी भाभी भैया वहाँ खड़े हैं उसको आप्या को लेके, और हम लोग गए थे, लोग गए सैर करने नाव में। बाय करो, बुला रही है तो। ये आ जाएगा, ये गुब्बर रह गया, बुला रहा है मौसी को, आ जा। और मूर्ति विसर्जन करने के बाद हम लोग यहाँ पे एक मंदिर मतलब बन ही रही है, अभी शुरुआत हुई है, तो इस मंदिर में आ गए थे दर्शन करने के लिए। यहाँ पे हनुमान बाबा जी का मंदिर था, सबको मेरा ये ब्लॉग अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।